हेलो गाइस, आज हम वीडियो में बताने वाले हैं कि जो हमारा पोको X5 5G फ़ोन है, तो पोको X5 5G फ़ोन की सेटिंग्स पे जाकर जो हमारे फ़ोन की जो रैम होती है, देख सकते हैं कि जो फ़ोन की रैम है उसको आप कैसे इनक्रीज़ कर सकते हैं और कैसे अपने पोको फ़ोन में फ़ोन की रैम को मतलब एक्सटेंड कर सकते हैं, यानी बढ़ा सकते हैं, और कैसे आप फ़ोन रैम को इनक्रीज़ कर सकते हैं पोको फ़ोन में। तो आज हम वीडियो में बताने वाले हैं कि फ़ोन रैम इनक्रीज़ कैसे करें। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ में ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कि जो फ़ोन के आइकन्स हैं हमारे फ़ोन में कुछ इस तरीके से शो हो रहे हैं, तो आपको स्वाइप करना है और स्वाइप करते ही ये वाला आइकन्स हमारे फ़ोन में ओपन हो जाएंगे। फिर आपके पास में ऑप्शन आ जाएगा सेटिंग्स का, तो उस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही फ़ोन की सेटिंग्स हमारे फ़ोन में ओपन हो जाएगी। तो जो हमारे फ़ोन की जो रैम है, तो रैम को आप कैसे एक्सटेंड कर सकते हैं और बढ़ा सकते हैं अपने पोको फ़ोन में, तो आज हम वीडियो में बताने वाले हैं। तो सबसे पहले तो आप देख सकते हैं कि आपकी फ़ोन सेटिंग्स है कुछ इस तरीके से शो हो रही है, तो आपको स्लाइड करके जाना होगा एडिशनल सेटिंग पे। तो एडिशनल सेटिंग्स को हम इस तरीके से ओपन कर लेंगे। तो ओपन कर लिया हमने, ओपन करते ही आपके पास ये ऑप्शन आ जाएगा, देख सकते हैं, मेमोरी एक्सटेंशन। तो मेमोरी एक्सटेंशंस पे जाते हैं, तो मेमोरी एक्सटेंशंस के जरिए आप फ़ोन रैम को इनक्रीज़ कर सकते हैं। जो भी आप फ़ोन की रैम को एक्सटेंड यानी बढ़ाना चाहते हैं तो बढ़ा सकते हैं सिंपली। जैसे आप इसको ऑन कर देते हैं, तो ऑन करते ही जो आपके फ़ोन की रैम है आपके फ़ोन में इंक्रीज़ हो जाएगी और बढ़ जाएगी, जिससे जो हमारे फ़ोन में आप जो आपका फ़ोन है बिल्कुल भी नॉर्मल तरीके से स्मूथली टाइप चलता है। तो इस तरीके से आप फ़ोन रैम को बढ़ा सकते हैं। उसको आप कैसे बढ़ा सकते हैं, जैसे यहाँ पर शो हो रहा है स्टोरेज स्पेस अवेलेबल, यानी जब आप इसको ऑन करते हैं तो आपके फ़ोन में स्टोरेज मतलब होना चाहिए, आपके फ़ोन में स्टोरेज खाली होना चाहिए। जब आपके फ़ोन में स्टोरेज खाली होगा तो आपकी फ़ोन रैम है आपके फ़ोन में इंक्रीज़ हो जाएगी। तो इस तरीके से इसको ऑन करके आप फ़ोन की रैम को इंक्रीज़ कर सकते हैं और बढ़ा सकते हैं। अपने सेटिंग्स पे जाकर आपको ऑप्शन नहीं मिलता है, तो यहाँ से सर्च करके भी सेटिंग्स पे जा सकते हैं। आपको सर्च करना होगा मेमोरी एक्सटेंशंस, तो मेमोरी एक्सटेंशंस पे जाते हैं। तो मेमोरी एक्सटेंशन सेटिंग्स पे आप डायरेक्टली जा सकते हैं और डायरेक्टली जाकर आप इसके जरिए अपनी फ़ोन की रैम को बढ़ा सकते हैं। जैसे आप इसको ऑन करते हैं तो आपका फ़ोन है आपके फ़ोन से रिबूट ऑप्शन मांगेगा, तो आपको सबसे पहले देख सकते हैं कि आपको फ़ोन को यहाँ से रिबूट कर लेना है। जब आप फ़ोन को रिबूट कर दोगे तो जो आपका फ़ोन है कि जो रैम है ये फ़ोन है रिबूट हो जाएगा यानी रिस्टार्ट हो जाएगा। वो रिस्टार्ट होती है, जब आपका फ़ोन रिस्टार्ट होता है और ऑन होता है, तो जो आपकी फ़ोन रैम है ऑटोमेटिकली आपके फ़ोन में इंक्रीज़ हो जाएगी और आपके फ़ोन की रैम यहाँ पर 1 GB तक ऐड हो जाएगी। तो इस तरीके से आप फ़ोन की रैम को एक्सटेंड कर सकते हैं अपने पोको फ़ोन में और अपनी फ़ोन रैम बढ़ा सकते हैं। तो आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन दबाने ना भूलें। थैंक यू, नेक्स्ट वीडियो के लिए इंतजार करें।